सबसे पहले मैं आप साफी हजरात का जी मशकूर बोलो। हूँ। जी, आगे। ओके। आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ ले आए हैं। आज यकीनन जिस हवाले से ये जो रैली हमने निकाली थी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए, मैं समझता हूँ भाई सिद्ध मुसलमान हमारा फरीज़ा है अपने भाइयों के साथ खड़े रहने का, उनके लिए बोलने का, उनके लिए एहतजाज करने का। तो उसी जज्बे के साथ काफ़ी सारे लोग आज रैली में शरीक हुए, पुरअमन तरीके से ये रैली अपने डेस्टिनेशन को रवाना हुई। वहाँ जब हम पहुँचे काफ़ी तादाद लोगों की थी, उनका जज्बा देखने के काबिल था। स्पीचेस स्टार्ट हो गए तो स्पीचेस के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पे हम देखते रहे, किसी भी में भी एक ब्लास्ट हुआ था सुबह की रैली पे, तो लोगों को पता था हालात ख़राब हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि जिस तरह मैंने कहा कि आज कश्मीर में जो अगर तहरीक ज़िंदा है वो कश्मीरियों की कुर्बानियों की वजह से, ज़ाहिर है उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज उन पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए ढाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं और पाकिस्तान के साथ इलहाक चाहते हैं। अगर वो खामोश होकर बैठ जाएं, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई उनको शायद तकलीफ़ दे। लेकिन ज़ाहिर है उनकी कुर्बानियाँ, हमारा इतना तो हक बनता है, अगर हम उस जंग में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, कम अज़ कम हम एक इजहार यकजहती तो उनके साथ कर सकते हैं। तो आज जो बदकिस्मत इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे, बल्कि मेरे ट्राइब के दो मोतबर बंदे शहीद हुए और दो बंदे मेरे ट्राइब से ज़ख्मी हुए और एक शावानी कौम का एक बंदा ज़ख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, पूछा मैंने, ज़ख्मियों की हालत बेहतर है। लेकिन वो दोस्त जो उस कारवान में आपके साथ होते हैं, आपके साथ चलते हैं, एक दोस्त तो सुबह आया मुझसे, उसने हाथ भी मिलाया जब मैं यहाँ से निकल रहे थे, तो उनका गम हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो तकलीफ़ जो इंसान के दिल में होती है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यकीनन चूंकि कश्मीर के लिए था, तो वही अनासिर जो कश्मीर पर जुल्म ढा रहे हैं, जो नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ किसी भी इलाके से उठाई जाए, बिलखसूस पाकिस्तान से, तो मैं समझता हूँ इसमें इंडिया और उसकी एजेंसीज शामिल हैं इस ब्लास्ट में, और हुए हैं रैलियाँ, हुए हैं सब कुछ हुआ है। बिलखसूस कश्मीर के हवाले से एस सी बी में भी ब्लास्ट हुआ, कोयटा में ये हमारा सिलसिला था, इसमें भी ब्लास्ट हुआ। तो ये मज़मूम जो इनके करतूत हैं, कारनामे हैं, इनसे कोई पसंद नहीं होता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, एक दिन जाना है हमने, बिस्तर में भी मौत आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मुजाहिद रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी जहाद में गुजरी है, लेकिन वो ना तलवार से शहीद हुए, ना बंदूक से शहीद हुए हैं, वो अपनी एक नेचुरल डेथ हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बिस्तरों के अंदर ही वफात पा गए हैं। तो ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो ये एक आपके मीडिया के तवस्सुल से मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसे अनासर को, बिलखसूस इंडिया को, उसकी एजेंसीज को देना चाहता हूँ कि जिस तरह कश्मीरी तुम्हारे मजालिम से घबराए हुए नहीं है, तुम जितना जुल्म कर रहे हो वो तहरीक जोर पकड़ रही है, इसी तरह उनका सपोर्ट भी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो ये सपोर्ट जारी रहेगा, जितना तुम इस कोशिश करोगे इस आवाज़ को दबाने की, आवाज़ और उठेगी। यकीनन मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और जो साथी शहीद हुए यकीनन उनके गम में हम ज़रूर जाएंगे, शरीक होंगे, और आपके तवस्सुल से भी मैं अपने कंडोलेंसेस उन तक पहुंचाऊंगा, उनके लवाइकीन तक, उनके रिश्तेदारों तक, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है या एक महज लफाजी नहीं है, ये हमारी दिल की आवाज़ है। तो मैं आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें सुना और हमारी आवाज़ को आपने पूरी दुनिया तक पहुँचाया, बड़ी मेहरबानी आपकी। सरदार साहब, ये बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बातें की जा रही थी कि यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकलेंगी, बड़ा सिक्योरिटी प्लान तक दिया था, तो आप क्या समझते हैं कोताही आपको कहाँ पर नजर आ रही है?
देखिए अभी तक तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की क्या, अभी कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि ज़ाहिर उनकी सिलसिला वो चला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक अपडेट नहीं किया उन्होंने कि ये कि प्लांट था या कोई बाइक पे था, बाइक किसी ने खड़ी की वहाँ पे, क्या सिलसिला था। तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, मैं अगर ये कहूँ कि कोई लैप्स था या सिक्योरिटी एजेंसीज की कोताही थी, मैं इसको इस तरह नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है पूरे जितने, जब हम यहाँ से हमने मूव किया, सरयाब से हमने मूव किया, तमाम जो लिंक रोड्स थे तमाम को बंद कर दिया गया था, स्पेशली रोड जो थी उनकी, उसकी जो ना क्लीनिंग भी कर दी गई थी, डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम थी वो भी थी। तो सारा एक अरेंजमेंट, ज़ाहिर उनको पता था एक थ्रेट तो था, और उसी दिन सुबह, आज सुबह जो है ना सिबी में भी ये इंसिडेंट हुआ था, यकीनन ये चीज़ें उनकी जहन में थी एजेंसीज की, ये चीज़ है, ये थ्रेट है। तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर है काफ़ी बड़ा मजमा था, रश था, तो कोई कहीं से लैप्स हो सकता है, कहीं से लैप्स हो गया, या खुदा ना खासा मैं नहीं कह सकता हूँ, या पहले से किसी गाड़ी में फिट कर दिया गया था, वो गाड़ी हमारे मजमे के अंदर पहुँच गया, तो उसके लिए मैं क्लियर नहीं हूँ कि क्या सिचुएशन है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट नहीं होती हैं। जिस ट्रक के करीब धमाका हुआ है, इसमें साउंड सिस्टम भी था और स्पीकर वगैरह भी थे, क्या ये आपकी रैली के साथ चल रहा था? जी बिल्कुल, ये ट्रक जब हम यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे भी आया था, इसको हमारे दोस्तों ने अपने, मेरे ख्याल में शायद पुलिस डिपार्टमेंट से इसको शायद लिया था, उन बंदों को दोस्त जानते हैं, जरूर जानते हैं कि इनसे उन्होंने लिया था, क्योंकि ट्रक इन्होंने अरेंज किया था, वो यहाँ से हमारे साथ ही थे, इस रैली में हमारे साथ थे, तो हम जगह जगह हम रुक भी रहे थे, मूव भी कर रहे थे। तो अगर ट्रक के अंदर, मैं नहीं समझता होता, अगर या शायद मौके के इंतज़ार में थे कि इसको शायद किसी अच्छी जगह पे हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम नुकसान करें, ये पॉसिबल है। तो ये ट्रक हमारे साथ ही था, हमारे रैली में, हमारे कॉन्वॉय के साथ ही था, और पहुँचा भी हमारे साथ ही वहाँ पर। थैंक यू जी।